केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के एडिटेड वीडियो के मामले में जांच अब तेज हो गई है। दिल्ली पुलिस इस मामले में लगातार एक्शन में है। मामले में जांच का दायरा भी बढ़ा है। तेलंगाना में पहले ही 5 नेताओं को नोटिस जा चुका है। ऐसे में एडिटेड वीडियो मामले में कई राज्यों में लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, यह अनुमान भी है। और दिल्ली पुलिस को IFSO यूनिट ने रांची, राजस्थान और मध्य प्रदेश समेत 7 से 8 ठिकानों में 16 लोगों को CRPC 91 और 160 के तहत पूछताछ में शामिल होने के लिए समन भेजा है। वहीं तेलंगाना के CM रेवंत रेड्डी को 1 मई को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। CM रेड्डी के अलावा तेलंगाना कांग्रेस के 5 और लोगों को पूछताछ में शामिल होने के लिए तलब किया गया है। अब देखना यह है कि 1 मई को कौन कौन दिल्ली के द्वारका में IFSO यूनिट में आकर इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करता है, कौन अपना जवाब ईमेल के जरिए भेजता है। इसके बाद जांच आगे बढ़ेगी। सभी को अपने साथ में अपना मोबाइल लैपटॉप लाने के लिए कहा गया है, लेकिन अपडेट यह है कि अहमदाबाद से 2 लोगों की गिरफ्तारी इसको लेकर हो गई है और माना यह जा रहा है कि जो जांच की तार है ना, ये अलग अलग राज्यों में अभी और ज्यादा फैलेंगे और इस मामले में कुछ और लोग हैं जो शिकंजे में आ सकते हैं। उनकी हताशा निराशा इस स्तर पर पहुंच गई है कि उन्होंने मेरा और कुछ भाजपा नेताओं का फेक वीडियो बनाकर सबके बीच में सार्वजनिक किया। मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, इस कक्षा के व्यक्तियों ने भी इस फेक वीडियो को फॉरवर्ड करने का काम किया। अब स्पष्ट हो चुका है, सौभाग्य से मैं जो बोला था उसका भी रिकॉर्डिंग हुआ था, तो वो रिकॉर्ड हमने सबके सामने रखा। दूध का दूध पानी का पानी हो गया और आज कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेता क्रिमिनल ऑफेंस को फेस कर रहे हैं। ये जो कृत्य है वो उनकी हताशा और निराशा का द्योतक है। जब से राहुल गांधी कांग्रेस की कमान संभाले हैं, राजनीति का स्तर नीचे 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 ले जाने का काम कर रहे हैं और ये इसका चरम है। लोकसभा में चर्चा न हो देना, राज्यसभा में बहिष्कार करा देना, शोर शराबे करना और निराधार झूठ बोलकर प्रजा में भ्रांति फैलाने का काम लगातार उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी कर रही है। और मैं मानता हूं कि अब फेक वीडियो सर्कुलरेट कर फर्जी टाइप का जन समर्थन प्राप्त करने का ये प्रयास एक बहुत निंदनीय है और भारतीय राजनीति में किसी प्रमुख दल के द्वारा कभी ऐसा नहीं किया गया। भाई और बहनों, मेरी आप सबसे करबद्ध निवेदन है, सत्य को जनता तक पहुंचाइए। जनता को गुमराह जो करना चाहते हैं उनको अपने सिद्धांतों के आधार पर, अपने कार्यक्रमों के आधार पर और अपने घोषणा पत्र के आधार पर चुनाव लड़ना चाहिए। फेक वीडियो सर्कुलेट कर नहीं, भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र को तोड़ मरोड़ कर जनता के बीच में झूठे तरीके से रखकर चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। 1 मिनट के लिए ये वीडियो, दोनों ओरिजिनल वीडियो और फेक वीडियो, मैं आप सबके सामने रखना चाहूंगा। उसके बाद में आपसे सवाल जवाब लेंगे। धन्यवाद। आवाज आवाज भाई, तो मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर दे। भाई फिर से करना पड़ेगा, आवाज नहीं है। तेलंगाना के मैं यहाँ कहकर जाता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो बंद करो भाई, आवाज ठीक करो। पहले सवाल जवाब कर लेते हैं, बाद में वीडियो दिखाते हैं। वैसे आप सबने देखा हुआ ही है। अहमदाबाद सिटी पुलिस साइबर क्राइम ब्रांच में सोशल मीडिया सर्वेलेंस के दौरान 2 फेसबुक प्रोफाइल से एक वीडियो शेयर किया गया था, जिसमें माननीय केंद्रीय गृह मंत्री का एडिटेड वीडियो, उनकी सभा में जो उन्होंने स्पीच दी थी उसका एडिटेड वीडियो इन्होंने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल से शेयर किया गया था। इसको ज़्यादा इन्वेस्टिगेट करते हुए इसमें फिर हमने एक FIR नोटी है, जिसमें सेक्शन 505A
1B, 469, 153A और IT एक्ट के हेठ ये गुना नौदा है। उसमें मुख्य दो आरोपी हैं जिनकी दो फेसबुक प्रोफाइल्स थी। एक फेसबुक प्रोफाइल सतीश भाई वंसोला के नाम से थी और दूसरी फेसबुक प्रोफाइल RB बारिया के नाम से थी। ये दो मुख्य आरोपी हैं और उनकी हमने कल अरेस्ट किया है और आगे की जांच कर रहे हैं। प्राथमिक तपास के इन्वेस्टिगेशन में ये जानकारी मिली है कि ये दोनों पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं। आगे हम इसे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। एक पालनपुर से है, जो सतीश भाई वंसोला है वो पालनपुर के हैं मूल, और दूसरे जो है RB बारिया वो दाहोद लिमखेड़ा के हैं। अमित शाह से जुड़े डॉक्टर्ड वीडियो के वायरल होने के मामले में दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। जहां एक और दिल्ली पुलिस की स्पेशल यूनिट ने इस मामले में FIR दर्ज कर ली थी, तो वहीं तेलंगाना के CM रेवंत रेड्डी को नोटिस दिया गया है और उनको 1 मई को पुलिस के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। साथ ही बड़ी अपडेट ये है कि उनको कहा गया है कि वो अपना इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यानी उनका फ़ोन वो पुलिस के सामने लेकर आए जिससे उन्होंने वो वीडियो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शेयर की थी। ये मामला अब बहुत ज़्यादा तूल पकड़ रहा है क्योंकि ये गृह मंत्री से सीधा सीधा जुड़ा हुआ है और इस वीडियो में जो वायरल हो रही है उसमें ये दिखाने की कोशिश की गई है वीडियो को एडिट करके, जैसे गृह मंत्री ये कहना चाह रहे हों कि इस देश में SC ST और OBC का जो असंवैधानिक आरक्षण है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा, जबकि ऐसी कोई बात गृह मंत्री तरफ से नहीं की गई थी। इस वीडियो को एडिट किया गया, इस वीडियो को ट्रिम किया गया, इस वीडियो को ऐसे ट्रिम करने के बाद पेस्ट किया गया जिससे यह लगे कि अमित शाह ने यह बात बोली है कि जब उनकी सरकार आएगी तो वो आरक्षण को खत्म कर देंगे। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इस मामले की गंभीरता को समझते हुए तुरंत इस पर कार्रवाई की है और इस पे FIR दर्ज करके नोटिस देने शुरू कर दिए हैं। और इस मामले में बड़ी गिरफ्तारी हुई है असम से, यानी इस पूरे मामले की पहली गिरफ्तारी असम से हो गई है और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने इस खबर को ट्वीट करते हुए जानकारी दी है कि एक व्यक्ति को गुवाहाटी से गिरफ्तार किया गया है और उसके पास से दो मोबाइल फ़ोन और एक लैपटॉप रिकवर किया गया है। यानी एक गिरफ्तारी हो गई है, नोटिस दिया जा चुका है और सिर्फ रेवंत रेड्डी को ही नहीं तेलंगाना के 4 नेताओं को भी नोटिस यहां पर दिया गया है दिल्ली पुलिस के द्वारा। हालांकि रेवंत रेड्डी अब पेश होंगे या नहीं ये देखने वाली बात है, लेकिन अमित शाह की जो ये वीडियो वायरल हो रही है इस पे भाजपा की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, दोनों की तरफ से प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। रेवंत रेड्डी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए ये बात कही है कि भाजपा दिल्ली पुलिस का दुरुपयोग करके चुनाव जीतना चाहती है। वीडियो जर्नलिस्ट पवन चौधरी के साथ मैं आयुष शर्मा, इंडिया न्यूज दिल्ली। हमारे सभी पैनलिस्ट बने हुए हैं। अजीत जी, पिछले 10 सालों की बात करें तो बहुत सारी फेक वीडियो आई, बहुत सारे एडिटेड वीडियो और मॉर्फ वीडियो आए, लेकिन इतनी मुस्तैदी कभी देखने को मिली नहीं। अगर ये जो फेक वीडियो जो है ना, देखो इस वक्त जो मैं वही कह रहा हूँ, जो पहले चरण की दूसरे चरण की जो वोटिंग हुई है उसमें कहीं ना कहीं आरक्षण बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। और मेरे पास राजस्थान, उत्तराखंड, तमाम जगह की ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि जहाँ पर SC ST और दलित ने यूनाइट होकर इन्हीं आरक्षण के मुद्दे पर कि ये खतरा लगा कि आरक्षण खत्म हो सकता है उसको लेकर बीजेपी मुद्दा, के खिलाफ मुद्दा आरक्षण है या फेक वीडियो है, क्या लगता है? नहीं, मैं भाई आपको बताने जा रहा हूँ। तो अब एक ऐसा मुद्दा जिस पर बीजेपी फंस गई है और ऊपर से ये फेक वीडियो जो गृह मंत्री का आया, जो देश के गृह मंत्री है जिनकी सरकार है, ये बड़ी हैरानी की बात है कि वो इस फेक वीडियो के मामले में जो है इतनी देर से कार्रवाई हो रही है। देखिए तमाम फेक वीडियो चले हैं अभी, मैं अभी ये पिछले पहले चरण के चुनाव में भी ये फेक वीडियो चले यहाँ लोकल नेताओं के, कई लोकल नेताओं के कट करके इस तरीके से चलाया कि आरक्षण खत्म कर देंगे बीजेपी के नेताओं के वो। लेकिन हैरानी की बात यह है कि बीजेपी की सरकार राज्य में भी है, केंद्र में भी है, लेकिन वो क्योंकि तमाम फेक वीडियो चलते थे वो कई बार बीजेपी को ज्यादा फायदा पहुंचाते थे, लेकिन ये एक ऐसा फेक वीडियो है जो देश की राजनीति की दिशा बदल देगा अगर ये आरक्षण का मुद्दा चल गया तो। इसलिए इस वक्त बीजेपी ने यही तर्क दिया कि अगर ये वीडियो सर्कुलेट होता है तो फिर हिंसा हो सकती है, हंगामा हो सकता है, इसीलिए एक्शन लिया जाए। आलोक सर, चूंकि सत्ता में बीजेपी है, गृह मंत्री अमित शाह को लेकर ये वीडियो था, इसीलिए तेजी इतनी ज्यादा देखने को मिली क्या? और चूंकि विपक्षी पार्टी के नेताओं के भी वीडियो कुछ एडिटेड होते हैं, बल्कि भद्दे भद्दे वीडियो बना दिए जाते हैं या मजाक उड़ाया जाता है, वहां वो पीछे रह जाते हैं क्या कंप्लेंट करने को लेकर? देखिए बड़े पैमाने पर ये एक बहुत बड़ा अपराध, साइबर क्राइम जिसको हम कहते हैं, जो पहले नहीं था। और आप तो अभी अमित शाह जी का कह रहे हैं, अभी आपने आधे घंटे पहले अपने आप ही चल रहा था उनका भाषण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता को फिर से आगाह किया कि मेरे नाम पर भी वीडियो बना करके भी डालने का कोशिश हो रही है। तो अब इससे आप अंदाज लगाइए कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और
ये देश के लिए मामला है। और मैं एक और बात रचना जी कहूंगा अपने दर्शकों के लिए, ये भारत का ही नहीं है, ब्रिटेन में प्रतिपक्ष के जो नेता, ब्रिटेन में भी इसी साल 2-3 महीने में चुनाव होना है, वैसे अभी मई में होना था लेकिन थोड़ा आगे बढ़ गया है, वहां पर भी ये बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा है। वहां प्रधानमंत्री सुनक लेबर पार्टी के जो नेता हैं वो मतलब उसमें एक पके, भारत में दुर्भाग्यपूर्ण है, और वहां के लंदन के मेयर सादिक खान, मतलब वो मेयर जो है वो पाकिस्तान मूल के हैं लेकिन लंदन के मेयर हैं, तीनों का बड़ी बारी सारी रिपोर्ट अभी पिछले दिनों की है जिसमें उन सब ने फेक, ये डीप फेक वीडियो जो है इससे पूरी इसी तरह के लोकतांत्रिक, दोषी कौन होता है? फेक वीडियो बनाने वाला ज्यादा दोषी है या उसको फैलाने वाला ज्यादा दोषी है? हिमांशु जी, एक वीडियो आपको याद होगा राहुल गांधी का, जिसमें वो आलू, एक मशीन आलू डालो और उधर से सोना निकालो की बात कर रहे हैं, हालांकि वो बयान उनका नहीं था, वो अभी भी कोट किया जाता है, भारतीय जनता पार्टी के नेता कोट करते हैं उनको, उनकी छवि धूमिल करने की कोशिश हुई, क्या वो जायज था? अरे भैया देखिए, हम जो बात कर रहे हैं फेक, डीप फेक, ओरिजिनल, अभी साइबर क्राइम के जमाने में अब के बाद सभी चुनाव आज के बाद के जो भी होंगे वो फेक और डीप फेक के ऊपर चलेंगे। नरेंद्र मोदी जी का गरबा गाता हुआ फेक वीडियो भी चला है, उसको क्या कहेगी आप? तो वो बात नहीं है, इंडिविजुअल क्या है और क्या ठीक था क्या गलत था, दौर ऐसा चल रहा है, इसमें सभी राजनेताओं को थोड़ा सा अलर्ट भी रहना होगा। अगर शिकायत बीजेपी की तरफ से की जाती है तो शिकायत ओपोजिशन पार्टी के जो नेता है उनके जरिए भी इसी अंदाज में होनी चाहिए, इतना ही एग्रेसिवली होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का।